ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 22 साल पुराने एक पत्र के सामने आने से प्रदेश भाजपा की राजनीति में भूचाल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का एक पुराना पत्र वायरल हुआ है। 5 जुलाई 1999 को लिखे इस पत्र में सतीश पूनिया ने तत्कालीन भाजपा दिग्गजों पर गंभीर आरोप लगाए थे। यह पत्र पुनिया ने भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते समय लिखा था। इसमें भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी और हरिशंकर भवड़ा पर 3 पेज के लेटर में पीठ में चूरा घोपने का आरोप लगाया था। साथ ही पत्र में राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कस्बा को भस्मासुर बताया था। इस लेटर के सामने आने के बाद पुनिया अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं। जबकि जिस राजेंद्र राठौड़ को पुनिया ने उस समय भस्मासुर बताया था, वे राजेंद्र राठौड़ आज पुनिया के बचाव में उतर आए हैं। 22 साल पुराने पुनिया के लेटर के मामले में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सतीश पुनिया का बचाव किया है। राजेंद्र राठौड़ ने लिखा है कि समय के चक्र के साथ समय काल और परिस्थितियां बदलती रहती है। 22 वर्ष पहले जो परिस्थितियां थी वो आज नहीं है। उस वक्त भी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बात को कहा था। आज भी कोई व्यक्ति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कोई बात करे तो वह गलत नहीं है, परंतु बात जब बयानबाजी तक चली जाती है तो वह सही नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 22 वर्ष पहले मेरे समेत सभी लोग अपनी राजनीतिक धरती को मजबूत करने में लगे थे। पार्टी में आपस में छोटी मोटी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पत्रों को कुछ लोग ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पार्टी से अलग हटकर सियासत करने की कोशिश में लगे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी हित की बात नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना लेटर सामने आने के बाद पार्टी में खींचतान बढ़ गई है। वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं को सतीश पूनिया को घेरने का मौका मिल गया है। वसुंधरा राजे खेमे के नेता और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने इसकी शुरुआत कर दी है। रोहिताश शर्मा ने वायरल लेटर को आधार बनाकर सतीश पूनिया को निशाने पर लिया है। रोहिताश शर्मा को 22 जून को ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप में नोटिस देकर 15 दिन में जवाब देने को कहा था। रोहिताश शर्मा ने कहा है कि जो व्यक्ति खुद अनुशासनहीनता कर चुका हो, अनुशासनहीनता की परिकाष्ठाएं पार कर चुका हो, वह दूसरों को अनुशासन की क्या सलाह और सीख दे सकता है, बड़े खेद की बात है। उल्लेखनीय है कि रोहिताश शर्मा ने 22 जून को नोटिस मिलने के बाद इसे विनाश काले विपरीत बुद्धि बताते हुए वसुंधरा राजे का अनुयायी होने की बात कही थी। सतीश पूनिया की चिट्ठी वायरल होने के बाद जिस तरह वसुंधरा राजे समर्थक रोहिताश शर्मा की तल्ग टिप्पणी सामने आई है, उससे यह साफ हो गया है कि बीजेपी में खींचतान और बढ़ने वाली है। वायरल चिट्ठी ने बीजेपी के घमासान में आग में घी का काम किया है। पार्टी सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में लेटर बम की सियासत और तेज हो सकती है। कई और लेटर लीक हो सकते हैं। यह राजनीति दोनों तरफ से अपनाई जा सकती है। 22 साल पुरानी चिट्ठी वायरल होने के बाद अब बीजेपी में इसे लीक करने वाले नेताओं को लेकर चर्चाएं हैं। बताया जा रहा है कि चिट्ठी बीजेपी ऑफिस के कुछ पुराने रिकॉर्ड से ही लीक की गई है। सतीश पूनिया ने भी चिट्ठी पर सवाल नहीं उठाए हैं, केवल इसे लीक करने वाली टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। चिट्ठी ऐसे वक्त लीक और वायरल हुई है जब बीजेपी संगठन वसुंधरा राजे समर्थक में और प्रदेश संगठन पर सवाल उठाने वाले नेताओं को नोटिस देने की शुरुआत कर चुका है। इस चिट्ठी ने एक बार की सियासी नैरेटिव बदल दिया है। पुनिया ने खुद लेटर बम को बताया है कि अजब सियासत की गजब कहानी। सतीश पुनिया ने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आज एक बार फिर ट्वीट करते हुए लिखा कि 22 वर्ष पुराना पत्र इस समय जारी होना अजब सियासत की गजब कहानी है। फिर भी मैं तभी कार्यकर्ताओं के साथ था, अब भी साधारण कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि हूँ। पार्टी के मंच पर ही कही गई बात के बाद ही नेतृत्व ने मुझे पार्टी में महत्वपूर्ण दायित्व दिए, जिनका मैंने निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। सतीश पूनिया ने कहा कि इतने पुराने लेटर को आज सामने आने के पीछे सियासी षड्यंत्र है। मैंने उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से फैसला किया था, इसलिए उसे उसी वक्त की परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।